हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रोहू, कतला और मृगल मछली पकड़ने के लिए जो चारा आज हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही कारगर चारा निकल के आया है। और ये देखिए, क्योंकि बरसात का मौसम आया हुआ है और बाढ़ भी आई हुई है, कहीं कहीं पर गदला धुंधला पानी आया हुआ है और मछलियाँ भी बहुत सारी साथ में आई हुई हैं। ये हम आपको दिखाएंगे चारा, जो बहुत गदले पानी का जो चारा है वो आज ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही ज़बरदस्त चारा निकल के आया है, मछली एकदम से पकड़ती है। तो वीडियो को पूरी देखें के अंदर देख रहे हो। आज हम चारा बनाने वाले हैं रोहू मछली के लिए। सबसे बेस्ट चारा तो ये रोहू मछली के लिए बनाने जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन इससे आप कतला मछली और ग्रास मछली इनका भी शिकार कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक देखिएगा दोस्तों, वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी ये ट्रिक बताने जा रहे हैं हम, बिल्कुल कारगर ट्रिक बताएंगे दोस्तों, और ऐसी ट्रिक आपने पहले कभी ना देखी होगी और बिल्कुल 100% कारगर है। आप आसानी से जो है रोहू मछली, कतला मछली, ग्रास मछली का शिकार कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है जी, अभी से ही बोर लेंगे दोस्तों, अपने हाथ से ही बोर लीजिएगा, अपने हाथ से ही बोरिएगा दोस्तों, क्योंकि ये अपने हाथ से बोरने पर जो है एकदम से बढ़िया बनेगा दोस्तों। ठीक है जी, हम इसमें मिलाने वाले हैं एक तो बिस्कुट, ऐसे बोर करके हम पतला कर लेंगे, बिल्कुल पतला करने पर देखिए दोस्तों, हमने जो है बिस्कुट को बिल्कुल पतला कर लिया है। और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इसको, अच्छे से बोर लीजिएगा, ये मोटा नहीं होना चाहिए। बिस्कुट का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं दोस्तों, इसमें जो रिफाइंड की मात्रा हम मिलाते हैं वो बिस्कुट के अंदर ही आ जाता है दोस्तों, इसलिए हम कोई रिफाइंड वगैरह इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि बिस्कुट के अंदर ही वो सब मिक्स होता है और ये मीठा भी होता है दोस्तों। हमने आटा मिलाना है इसमें, आटा मिक्स कर देना दोस्तों, आपके हिसाब से आप आटा मिक्स कीजिएगा इसमें। आटा मिक्स, ये मैंने आटा मिक्स कर दिया इसके अंदर, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जितना शिकार आपने मछली का करना है, क्योंकि पानी डालने से जो है आपका चारा ख़राब हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, आटा मिला लिया है, इसके अंदर जो है अंडे की मात्रा डालनी है दोस्तों, ये है अंडा। एक बात का ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा में ना डालें। ये देखिए, हमने जो है इसको मिक्स करेंगे हम, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे आप चराई भी बना सकते हैं। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम इसको अंडा डाल करके, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा दोस्तों और अच्छे से मिला लीजिएगा। ये देखिए, मैं मिला रहा हूँ, और मिलाने के बाद ये इस प्रकार से टाइट हो जाएगा दोस्तों, अच्छे से आप हाथ से ही मिलाइएगा, इस प्रकार से दिखेगा आपको, आप देख पा रहे हैं, अच्छे से और अच्छे से मिला लीजिएगा। ध्यान रखना है आपको, पानी नहीं डालना है दोस्तों, नहीं तो आपका चारा जो है बिल्कुल ख़राब हो सकता है। और इसी प्रकार से जो है हम इसको और अच्छे से गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद दोस्तों, ये देखिए, गूँथने के बाद अब ये शिकार के लिए तैयार हो गए हैं। और इस प्रकार की मछली जो है दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की मछली जो है शिकार के अंदर आएगी, बिल्कुल हुक नीचे सिर पे बैठ गए हैं, आप ये देख पा रहे होंगे, हम हुक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये रोहू मछली है दोस्तों, यहाँ पर रोहू मछली, ये आप देख भी सकते हैं, इस चारे से रोहू मछली, कतला मछली, ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त शिकार होता है। तो ज़रूर इस चारे का इस्तेमाल करें, इस चारे का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी मछली का शिकार आप भी कर पाओगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।